स्टॉपेज है पटियाला से डायरेक्ट यहाँ पे 110 किलोमीटर के बाद। तो अभी चलते हैं, साल भर बाद राइड करके कैसा लग रहा है? हाथ टूटा हुआ मेरा भाई, मेरा हाथ टूट गया अभी तक। तो भाई सेटअप फिर से रेडी हो गया है, खाना बनाने के लिए पानी डाल दिया, थोड़ा सा बॉयल होगा, गर्म कर रहे हैं, मैगी भी ले आए भाई, रात को एक एक गिलास दूध पी के सोएंगे, मज़ा आएगा। गाइज वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम और टनल क्रॉस करके भुंतर से पहले कोई एक जगह है, नाम नहीं पता है। और रात काफ़ी शानदार रहा, शाम को यहाँ पे हमने टेंट लगा लिया था और खाना वाना भी बना लिया था, दूध वगैरह ला के वो भी पी लिया था गर्म करके, तो नींद भी बहुत अच्छी आई। लेकिन हाँ थोड़ा सा बीच में नींद वगैरह खुल जा रहा था, थोड़ा ठंड भी लग रहा था और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा टेंट का। बस अब उठे हैं, फ्रेश अप वगैरह होंगे और उसके बाद फिर सामान वगैरह लगेज वगैरह लोड करके फिर निकलेंगे। तो जाने से पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो ये हमारा टेंट जो हमने रात में लगाया था, बाइक्स यहाँ पे पार्क की थी हमने और जो नज़ारा था वो ज़बरदस्त ही है। ब्यास नदी बह रही है नीचे, कल रात यहीं से पानी उठाया था हमने खाना बनाने के लिए और गर्म करने के लिए। और ऊपर पहाड़ में छोटे छोटे घर, भाई सामान वगैरह थोड़ा पैक हो रहा है, तब तक मैं जाऊंगा 3 किलोमीटर दूर यहाँ से, कल जहाँ से दीपक दूध लेके आया था तो वहाँ जाके फिर से एक दूध लेके आना है, अंडे वगैरह लेके आना अगर मिल जाए तो हम लोग यहाँ पे खुद ही नाश्ता बना लेंगे। अभी फ़िलहाल बाइक स्टार्ट करते हैं फिर मैं निकलता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ, एक छोटा सा दुकान है यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर, वहाँ से अंडे और दूध लेने के लिए ताकि हम अपना नाश्ता प्रिपेयर कर पाएँ। और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम इस खूबसूरत से लोकेशन को छोड़ के फिर आगे की तरफ आज बढ़ेंगे, मनाली क्रॉस करते हुए जिस्पा को जाना है। तो अभी 8 बज रहे हैं सुबह के और हम लोग सोच रहे हैं कि 9 बजे तक यहाँ से निकल चलें। पहाड़ों में हल्की हल्की धूप आने लगी है चोटियों में, जो धीरे धीरे नीचे भी आ जाएगी। अभी तो ठंड है यहाँ पे और लेट मी अपडेट कि टेम्परेचर, रात को जब मैं 4 बजे उठा था तो टेम्परेचर चेक किया था मैं, वहाँ पे टेम्परेचर रात को 12 डिग्री टेम्परेचर था। होए 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 नदी भाई, अंडे हैं? अंडे हाँ, नीचे दूध, दूध दूध का पैकेट, दूध दूध एक वो दे दो, अमूल एक ही बस। यहाँ पे मिलेगा अंडा नीचे? अच्छा यहाँ पे। आंटी अंडे हैं क्या? अंडे हैं? चार दे दो। तो भाई अंडे ले लिया, दूध ले लिया, ब्रेड मिला नहीं तो बस ऑमलेट कॉफ़ी और मैगी, ये हमारा नाश्ता रहेगा आज सुबह का। आ? क्या ब्रेड नहीं था, अंडे और दूध। चल बना। तो भाई दीपक गया है पानी भरने, वो पानी भर के लाएगा, उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे नाश्ता अपना। तो भाई साहब बना रहे हैं मैगी, 2 मिनट में रेडी हो जाएगी।
पापा बेटे पापा ऐसी पापा पापा पापा। तो मैगी भी खा लिया, ऑमलेट भी खा लिया, फिर एक एक गिलास दूध पियेंगे। दीपक को भेजा हुआ है बर्तन धोने के लिए, वो बर्तन धो के आता है, तब तक मैं टेंट उठाता हूँ। वेल, अभी मैं आया था नीचे सिर्फ बर्तन धोने के लिए। ये बर्तन अपने रखे हुए यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ, ये देखो नीचे हल्का सा समुद्र की जैसा पानी लहरें हल्के हल्के आ रही है। इट्स लाइक सो गुड यार। हाँ, पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब बस थोड़ा सा इसमें 5 लीटर वाले में भर दूँ है और आते हैं, ठीक है। भाई अभी हो गए 11:45, हम लोग थोड़ा सा लेट ही हैं। आराम से उठे, आराम से नाश्ता वास्ता बना के, आराम से लेट के, पैर हाथ धो के, आराम से सब कुछ करने के बाद अब निकल रहे हैं हम लोग मनाली के रूट पे। तो देखते हैं मनाली से आगे केलोंग तक जाने का, जिस्पा तक जाने का प्लान है, और आगे देखते हैं रोड कंडीशन कैसे होंगे, पता नहीं अब तक आए हैं, अब तक कैसे आए हैं, वैसे ही होंगे या फिर इससे अच्छे या इससे ख़राब ही होंगे। तो कोई बात नहीं, चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं। भाई इस खूबसूरत जगह को छोड़ के अब हम लोग जा रहे हैं अब डेस्टिनेशन मनाली और केलोंग की तरफ, और आज आप लोगों को देखने को मिलेगा अटल टनल जो हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है, जो मनाली को लेह रोड से लेह हाईवे से जोड़ती है, और जो रोहतांग दर्रा जो है उसके 45-50 किलोमीटर के जो कवर है वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे उसको कवर करने में, उसको सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर के टनल ने बहुत ही कम कर दिया है। तो बहुत ही सुंदर व्यू होगा, और पहली बार वो टनल क्रॉस करने के बाद मैं लाहौल वैली जो है उस पर एंटर करूँगा पहली बार। इससे पहले तो स्पीति वैली होके आ गया हूँ, आज ये पहली बार होगा जो मैं लाहौल वैली को एक्सप्लोर तो क्या करूँगा कि हमारे पास टाइम नहीं है एक्सप्लोर करने को, लेकिन हाँ लाहौल वैली जो है उस पर स्टे करेंगे, वहाँ का खाना खाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, और आप लोग इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लेते चलें। कुल्लू हम लोग पहुँचने वाले हैं, कुल्लू 20 या 22 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, और कुल्लू जो है इस एरिया का एक तरह से रिवर एडवेंचरस, जो भी राफ्टिंग वगैरह सब होते हैं, कैनोइंग वगैरह वो सब करने के लिए एक बहुत ही बड़ा हब है इस एरिया में। कुल्लू में बहुत अच्छे तरीके से रिवर राफ्टिंग की जाती है। वो जो रास्ता है ना पीछे से, वो जाएगी मणिकरण साहिब को, कसोल को, और पार्वती वैली उधर से ही, और ये रास्ता जाएगी मनाली को। तो असी चलते हैं मनाली। कलात क्रॉस करते ही यहाँ पे एक चेक पोस्ट है बना हुआ, यहाँ पे एक पर्ची कटती है ग्रीन टैक्स के नाम से, 2 व्हीलर्स के लिए 100 रुपये है, और ये 7 दिन की वैलिडिटी का होता है। 7 दिन के वैलिडिटी में 7 दिन में अपडाउन, 7 दिन तक अपडाउन कर सकता है बंदा 100 रुपये दे के। तो अब ये मुझे नहीं पता कि बाहर वाले गाड़ियों के लिए है, लेकिन अच्छा है, कोई बात नहीं। अगर ग्रीन टैक्स ले रहे हैं और प्रॉपरली इसको मनाली और हिमाचल को ग्रीन करने के लिए अगर ये लोग यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सोलांग वैली के लिए ये ब्रिज नीचे से जाना पड़ेगा, बहुत रिस्की ब्रिज है यार। बहुत डाउन बना हुआ है ये, बहुत स्लोपी बनाया हुआ है। एक बार हम लोग जब आए थे ना तो इस तरफ कहीं जाके हमने लुगड़ी खरीदा था। लुगड़ी वो मनाली का एक तरह से पारंपरिक पेय पदार्थ है जो यहाँ के लोग पीते हैं, चावल को सड़ा के बनाते हैं उसको, और झारखंड में हमारे उसको बोलते हैं हड़िया। तो भाई रोहतांग यहाँ से 40 किलोमीटर और है, और अटल टनल है 19 किलोमीटर, और रास्ते बहुत ज़बरदस्त बना रखे हैं बीआरओ ने, और पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तो चोटियों में वो बर्फ़ पड़ी हुई है,
उधर ही हमें जाना है। नीचे रास्ते ऐसे कर्वी स्टार्ट हो गए हैं और ब्यास नदी जो बह रही है उसमें पानी है और उस तरफ सेब के बागीचे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब यहाँ पे विंटर होता है तो पूरा बर्फीला होता है ये नज़ारा। यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप जब बर्फ़ पड़ जाए, मे भी नवंबर एंड है और दिसंबर फर्स्ट वीक में बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाता है, दिसंबर में तो फुल पैक रहता है, तो आप लोग आओ, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। भाई खाना वाना खा लिया है, 5 बज रहे हैं लगभग और ठंड लग रही है भयंकर, इसलिए मैंने हेलमेट पहन लिया, हवा चल रही है।